फाइनेंशियल लाइफ में हमारा क्रेडिट स्कोर बहुत महत्व रखता है। अगर हमें बैंक से लोन लेना हो, क्रेडिट कार्ड लेना हो, ऐसी ज़रूरतों के लिए हमारा क्रेडिट स्कोर एक अच्छे लेवल पर होना जरूरी है। लेकिन कभी कभी हमारे क्रेडिट स्कोर में इनवैलिड एक्टिविटीज हो जाती है। आई मीन्स जब भी हम किसी बैंक से लोन लेते हैं, क्रेडिट कार्ड लेते हैं, हम उसको क्लोज करवा लेते हैं, बट किसी कारण से बैंक सिबिल को रिपोर्ट नहीं करता है, या फिर कोई भी गलती हो सकती है जिसके कारण हमारा क्लोज हुआ लोन क्रेडिट स्कोर में एक्टिव शो करता है। तो गाइस, ऐसी स्थिति में हमने तो हमारा लोन क्लोज करवा लिया होता है, बट मिसमैच के कारण हमारा लोन क्रेडिट स्कोर में शो रहता है। ऐसी स्थिति में आपको क्रेडिट ब्यूरो यानी कि सिबिल में आपको रिपोर्ट करनी होती है, अपनी रिपोर्ट डिस्प्यूट करनी होती है। तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं, गलत इन्फॉर्मेशन जो हमारे क्रेडिट स्कोर में एक्टिव रहती हैं, उस गलत इन्फॉर्मेशन को या फिर हमारे क्लोज एक्टिव लोन को आप कैसे क्लोज कर सकते हैं, इसका पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के गूगल क्रोम में आना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है सिबिल। सिबिल टाइप करने के बाद आपको अपने मोबाइल को डेस्कटॉप साइट में ले जाना है। जैसे ही आप डेस्कटॉप साइट पर मोबाइल को ले जाएंगे तो आपको यहाँ पे राइज ए डिस्प्यूट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो होगा। डाउन में स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे एक क्लिक हेयर का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको राइज एंड ऑनलाइन डिस्प्यूट पर क्लिक करना है वापिस, तो आपके सामने ऑनलाइन कॉमर्शियल डिस्प्यूट फॉरम ओपन हो जाएगा। कंपनी डिटेल यहाँ पे आपको फिल करनी है। आइए मैं आपको बताता हूँ आपको यहाँ पे क्या क्या फिल करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट करना होता है। तो पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव बता रहा हूँ, वीडियो को एंड तक आप देखते रहिए। गाइस, कंपनी नेम में आपको उस बैंक का या फिर उस फाइनेंस कंपनी का नाम लिखना है जहाँ से आपने लोन लिया हुआ है, यानी कि जिस फाइनेंस कंपनी से या फिर बैंक से आपने लोन लिया हुआ है वो लोन आपने क्लोज करा लिया है। क्लोज कराने के बाद में भी आपका लोन सिबिल में एक्टिव हो रहा है तो आपको यहाँ पे उस कंपनी का नाम लिखना है। एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप अपना लोन क्लोज करवाते हैं तो उसको सिबिल में रिपोर्ट होने में, क्लोज होने में मैक्सिमम 60 डेज लगते हैं, यानी कि 2 महीनों का टाइम लगता है। तो उससे पहले आप यहाँ पे डिस्प्यूट ना करें। अगर आपका लोन 6 महीनों के बाद भी एक्टिव रहता है तो वो मिसमैच है, तभी आपको डिस्प्यूट करनी है। कंपनी नेम में आपको फाइनेंस कंपनी या फिर बैंक का नाम लिखना है जिसका लोन आपका एक्टिव शो कर रहा है क्लोज कराने के बाद भी। रजिस्टर्ड एड्रेस में आपको वही एड्रेस टाइप करना है जो आपने लोन में टाइप किया हुआ है, आपका जो भी एड्रेस है परमानेंट उसको यहाँ पे आप टाइप कीजिए। डिस्ट्रिक्ट आपका चूज कर लीजिए या फिर आपका सिटी, उसके बाद आपका स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपका पिन कोड टाइप करने के बाद आपको ब्रांच एड्रेस, जिस फाइनेंस कंपनी या फिर बैंक से आपने लोन लिया हुआ है उस बैंक फाइनेंस कंपनी का आपको यहाँ पे नाम टाइप करना है, फुल एड्रेस टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे वापस डिस्ट्रिक्ट यानी कि जहाँ पर बैंक या फिर फाइनेंस है उसका डिस्ट्रिक्ट, वापस स्टेट, पिन कोड, नेम ऑफ ऑथोराइज सिग्नेटरी, तो यहाँ पर आपको वही बैंक या फिर फाइनेंस का नाम लिखना है। मोबाइल नंबर आपके टाइप करने हैं, टेलीफोन नंबर कोई ज़रूरी नहीं है। ईमेल एड्रेस आपको वही यहाँ पे टाइप करना है, फिल करना है जो आपने लोन के समय यूज किया था। कंपनी पैन नंबर आपको एंटर करने हैं। ऑर्डर नंबर, जब आप सिबिल डाउनलोड करेंगे तो उसके साइड में आपको एक ऑर्डर नंबर मिलेगा, 10 डिजिट का ऑर्डर नंबर जो होता है। आप क्रेडिट स्कोर डाउनलोड करते हैं, आप पेटीएम से भी क्रेडिट स्कोर को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑर्डर नंबर होना देखिए ज़रूरी है, फिर भी अगर आपके पास में ऑर्डर नंबर नहीं है तो मोबाइल नंबर एक बार टाइप कर लीजिए। उसके बाद आपको डेट ऑफ रिपोर्ट, तो उसकी डेट यहाँ पे आप लिख लीजिए। रीजन फॉर डिस्प्यूट, यहाँ पे पूरा डिटेल आपको फिल करना है, अपना नाम, एड्रेस, पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, रीज़न क्या है, कब आपने लोन लिया था, कब क्लोज कराया था, तो पूरा डिटेल आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। यहाँ पे बॉक्स है, उसमें आपको पूरा डिटेल एक बार फिल कर लेना है। यहाँ पर पूरा डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पे एक कैप्चा दिखेगा, इसको एंटर करके सबमिट पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका कंप्लेंट है वो डिस्प्यूट हो जाएगा, आगे का प्रोसेस आपको ईमेल के द्वारा इन्फॉर्म किया जाएगा।
कंप्लेंट डिस्प्यूट करने के बाद आपको एक ईमेल आएगा जिसमें आपको आधार कार्ड पैन कार्ड का फोटो आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद जब आपकी कंप्लेंट एक्सेप्ट हो जाएंगी तो आपके पास में कुछ इस टाइप का एक ईमेल आएगा, आप वीडियो में देख सकते हैं। और ये ईमेल आने के बाद आपका लोन 30 दिन में सिबिल स्कोर से क्लोज हो जाएगा। सिबिल में कंप्लेंट डिस्प्यूट करने से पहले आपको अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर लेना है कि आपका लोन क्लोज है या फिर नहीं है। डिस्प्यूट करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वीडियो के डाउन में आप कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।